हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी आज आपको ये तोरण बताने वाली हूँ। देखिए, ये मेरा फिफ्थ वाला डिज़ाइन है, फिफ्थ सिक्स्थ वाला डिज़ाइन है। ये बहुत ही प्यारा दिखता है। मैं आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही आसान है ये। तो अभी हम शुरू करेंगे। देखिए, हम अभी ये लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए सिर्फ 5-6 चेन से ही शुरू करना है। बहुत ही आसान है। ये रिंग वाला फ्लावर का तोरण मैंने पहले भी रिंग पे कैसे फ्लावर बनाना है ये बताया है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी हम पहले लीफ शुरू करेंगे। देखिए, ये मैंने 6 चेन ले ली है। इसके बाद हमें अभी देखिए एक चेन छोड़ देनी है। उसके बाद हमने हाफ डीसी बनाना है। 2 हाफ डीसी बनाएंगे हम लोग। देखिए, ये एक हो गया और ये दूसरा। इसके बाद वाले जो थर्ड वाली जो चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और स्लिप स्टिच होने के बाद इसमें हम 12 चेन ले लेंगे। 12 चेन के बाद फिर से वहीं पे थर्ड चेन में देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 चेन के बाद मैं वहीं पे स्लिप स्टिच से ये बंद कर दूंगी। और आखिरी में मैं फिर से जो लास्ट वाली 2 चेन हैं उसमें फिर से हमें हाफ डी सी लेना है। देखिए, ये मैंने एक ले लिया और ये दूसरा ले लिया। देखिए, अभी ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। मैं सिंगल चेन लेके इसको पलटा दूंगी। देखिए, अभी मैं ये जो है यहाँ पे मैं पूरा 12 डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर 3 चेन और 12 डबल क्रोशिया। ऐसे ये हमारा लीफ तैयार हो जाएगा। देखिए, ये मैंने अभी बना लिया है फर्स्ट सेकेंड। ये ऐसे मैं 12 पूरे कंप्लीट करूँगी। देखिए, ये मैंने 12 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। मैं 3 चेन लूँगी अभी। 3 चेन होने के बाद फिर से मैं 12 डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए, उससे ये लीफ कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए, यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से ये बंद कर दूंगी। यहाँ पे धागा हमें बंद कर देना है और ये काट लेना है। ये काटने के बाद ये बंद करके हमें इसका शेप ठीक करना है। तो मैं बताती हूँ अभी आपको। देखिए, ये मैंने बंद कर दिया है यहाँ पे और ये ऐसे खींच के ये बराबर बीच में ये आ जाएगा। आप जैसे भी चाहिए, बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी साइज़ ले सकते हैं। ये मैंने 12 डबल क्रोशिया से बनाया हुआ है। ये अभी हमारा लीफ तैयार हो गया। देखिए, ये मैंने लीफ ऐसे बनाते हुए ये पूरा कंप्लीट किया है। ये फ्लावर मैंने रिंग पे बनाया है और ये जो लटकन है वो भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये आप ऐसे ही बना के देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।